हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डील एंड ट्रिक्स लूट। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ विंडोज़ 11 का जो लेटेस्ट बिल्ड आया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ऑफिशियली डेवलपर प्रीव्यू वाला बिल्ड है। तो इसमें जो वॉइस टाइपिंग है इसको कैसे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। अब ये कोई भी लैंग्वेज ले ले रहा है, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्टेड लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में विंडोज आपको मिलता है उस सारी लैंग्वेज में आप वॉइस टाइपिंग भी अब कर सकते हैं। मैं आपको इसी बात का प्रूफ दिखाने वाला हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टाइप करके आपको दिखाऊंगा अपने वॉइस कमांड पे। तो देखिए मैं अपना वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने पे ये वाला आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ये ऐसे नॉर्मली नहीं आता है। जब आप इसको वॉइस टाइपिंग लॉन्चर को इनेबल कर लेंगे तब ये आएगा, अगर आप इसको डिसेबल कर लेते हैं तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, तो जैसे ही कोई भी टाइपिंग फील्ड में मैं क्लिक करूँगा वैसे ही ये वाला ऑप्शन मेरे को दिखने लगेगा। यहाँ पे आप माइक पे क्लिक करेंगे या फिर आप विंडोज़ प्लस एच दबाएंगे तो आपका जो वॉइस टाइपिंग वाला मेन मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज देख लेनी है, इंग्लिश इंडिया लगी हुई है। तो अगर यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज लगी हुई है आप जो इसमें बोलेंगे वही वाले फॉन्ट्स में ये लिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार एंड आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टाइपिंग। देखिए यहाँ पे जो है इसने पंचुएशन के लिए जैसे ही मैं रुका वैसे ही इसने एक फुल स्टॉप लगा दिया है। और अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये बढ़िया से टाइप नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज मेरी जो लगी है वो इंग्लिश इंडिया लगी हुई है। आप चाहें तो अपना पंचुएशन भी बंद कर सकते हैं। पंचुएशन बंद करने के लिए यहाँ सेटिंग पे क्लिक कीजिए और ऑटो पंचुएशन को आप बंद कर सकते हैं और लगा रहने देंगे तो फिर ये जहाँ जहाँ पे आप फुल स्टॉप वाली चीज़ है, जैसे जहाँ पे आप बोलना बंद करेंगे वहाँ पे ये फुल स्टॉप अपने आप लगा देगा। और जो भी नाम होंगे और जैसे ऐप्स का नाम, इंसान का नाम ऐसा होगा तो, और जो वाक्य का पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में ये अपने आप कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं जो है लैंग्वेज को चेंज करता हूँ और लैंग्वेज को इंग्लिश की जगह हिंदी लगाता हूँ। अब हम देखेंगे कि कैसे ये टाइप करता है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने मैं पे रुका इसने वैसे ही यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगा दिया। और जो भी मैं इस समय बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए ये आराम से इसको टाइप करता चला जा रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ इसीलिए इसको थोड़ा सा जंबल करने की दिक्कत आ रही है, लेकिन ये आराम आराम से इसको पूरा लिख देगा। अब मैं वेट करता हूँ। देखिए जितना भी मैंने बोला इसने पूरा एकदम एक्यूरेटली लिख दिया है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इससे दिक्कत हो जाए तो वो आपके एक्सेंट पे डिपेंड करता है कि आप जो हैं वर्ड्स कितने ज़्यादा क्लियर बोल रहे हैं। अगर आप, आपका एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है, आप हिंदी में मतलब उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं तो फिर ये हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ लिख दे, तो वो एक दो शब्द जो हैं वो आपको खुद से सही कर लेने होंगे, नहीं तो बाकी चीज़ें आप कितना भी फास्ट बोलते हो ये पूरा लिखेगा और अच्छे से लिखेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं। थैंक यू।